हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कटोरी वाले केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छी बनती है ये। और आप भी इसे घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ ये कितनी, देखिए दोस्तों ये कितनी स्पंजी बनी हुई है और कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसे मैं इसे दबा कर दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। कटोरी वाले केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसे मैंने यहाँ पे एक छलनी रख दी है। इसमें मैं 1/4 कप यहाँ मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे 1/4 चम्मच का आधा भाग यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया है, जिसको हम खाने वाला सोडा ही बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चाल लेते हैं। इसे हम इसलिए चाल रहे हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, सारे छनकर निकल जाएँ। यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से चाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप पीसी हुई चीनी ली है, इसे भी चाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी को भी चाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये तो हो गई हमारी सूखी सामग्रियों की सारा मिश्रण, हम इसे अलग निकल रख देते हैं। अब यहाँ पे हम गीली सामग्रियों का घोल बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड तेल ले लिया है, 3 टेबल स्पून दूध, 1/2 टीस्पून सिरका, 1/2 टीस्पून सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें अब मैंने जो यहाँ पे सूखी सामग्री तैयार की थी उसे इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको घोल अगर आपको थोड़ा कड़ा लग रहा हो तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून और दूध मिला सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें और दूध मिला दिया है, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आज मैं इसे बेक नहीं करूँगी, इसे भाप पर पकाऊँगी। तो यहाँ पे भाप पर पकाने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं इस बटर को इन प्लास्टिक की कटोरियों में रख दूंगी, इसे पूरा नहीं भरना है, आधा आधा ही भरना है। या फिर मैंने बटर को कटोरियों में भर लिया है। अब इसको ऊपर से थोड़ा सजा देते हैं। तो यहाँ मैंने बादाम काट कर रखा है, इसे ऊपर से थोड़ा सा सजा देते हैं। आपको इसके ऊपर जो भी मेवा पसंद हो वो मेवा डाल सकते हैं आप। पानी गर्म हो चुका है, देखिए इसमें अच्छे से धुआं निकल रहा है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक छलनी रख दी है और इस पर हम ये कटोरियों में केक जो मैंने केक बनाने के लिए बैटर डाला है उसे रख देते हैं। अब इसे ढकना होगा, हमें यहाँ जिस बर्तन से ढकना है उसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा बांध देंगे अच्छे से, और इससे हम इसे ढक देंगे ताकि इसमें जो भाप निकले वो ये कपड़ा सोख ले। इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं हम। 20 मिनट हो चुके हैं, हम केक को चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ऊपर तक आ चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कटोरियों को बाहर निकाल लेते हैं। अब मैंने कटोरियों को भाप से बाहर निकाल लिया है, अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इस केक को इसमें से निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी कटोरी केक बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल स्पंजी बनी हुई है। मैंने आपको इसे बनाने का तरीका बताया, आप तो समझ गए होंगे कितने सिंपल तरीके से बना हुआ है। और इसे आप अपने घर पर भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं।